नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको एक मिरेकल दरख्त का इंट्रोड्यूस कराएंगे। मोरिंगा पत्ता कहते हैं जिसको। ये दरख्त से हम उखाड़ के लाए हैं फ्रेश। इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। डायबिटी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर वगैरह हो, जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, और इम्यून सिस्टम भी क्रिएट करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि ये खाने में कोई नुकसान नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद कैसे ड्राई करना है और पाउडर कैसे बनाना है। इसकी चाय बना के भी पीते हैं नाज़रीन, लेकिन इसको पाउडर बना के खाने में और भी आसान है। इसके अंदर ये सब्ज़ी होती है जिसको ड्रमस्टिक भी कहते हैं, और गुजराती में सरग के सिंग जैसे कहते हैं। तो ये दालों में डाल के भी इस्तेमाल होता है। सब्ज़ी बना रहे आप इसकी, और ये कैसे बना लेते हैं ये भी हम आपको बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन देखिए, हमने इसको 3-4 मरतबा पानी से धो के बंच बना के रखा हुआ है। इसको धूप में नहीं सुखाना, ये ठंडी हवा में या पंखे के नीचे रख ली, 2 या 3 दिन लगेगा इसको सूखने में। और इसके बाद कैसे पाउडर बनाना है वो हम आपको बताएंगे, इसके क्या बेनिफिट है और इस्तेमाल का तरीका भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन ये देखिए, हमारा ये सेकेंड डे है इसका ड्राई, तकरीबन ड्राई हो गया। एक दिन के बाद और ड्राई करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसको पाउडर बना के। नाज़रीन ये मोरिंगा का सेकेंड डे है, ड्राई हो गया, एक दिन और सुखाएंगे, इसके बाद आपको पाउडर करके बताएंगे। देखिए मोरिंगा के पत्ते हमने आज सुखाए थे, इसका 4th दिन है, लेकिन मजीद और भी ड्राई करने की ज़रूरत है। और ये पत्ते हम इस तरह अलग करके डालियों से हाथ से जड़ जाते हैं, चादर पर रखी हुई है। और इसी तरह एक दिन के बाद मजीद और सूखेगा तो आपको हम और बता देंगे। नाज़रीन ये मोरिंगा को हमने 6th दिन को सुखाने के बाद ये पोजीशन हुई है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अभी हम ग्राइंडर में डाल के इसको हम पीसेंगे और ग्राइंड करके आपको बताएंगे। नाज़रीन ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद हम इसको इस तरह छान लेंगे, इसको छान लेंगे। नाज़रीन ये पाउडर नीचे छानने के बाद आ रहा है, इसको अच्छी तरह छान लेंगे। नाज़रीन ये मोटा मोटा रह गया है, इसको हम दोबारा पीस लेंगे। अब ये पाउडर रेडी है, इसको हम बोतल में इस तरह डालेंगे। इसी तरह हम ये सारे पत्ते को पीस लेंगे नाज़रीन, और बोतल में भर के रख देंगे। नाज़रीन ये ड्राई पत्तों को हमने पाउडर बना के रख लिया है इस तरह बोतल में। और मैं इस तरह रोज़ाना नून हर सुबह आधी चम्मच इस तरह पीता हूँ। पीने, अगर आप इस तरह नहीं पी सकते हैं तो आधा कप या 1 कप जितना पानी में 1 चम्मच डाल के उसको घोल के लेमन डाल लें, शहद डाल लें, और आराम से सीप सीप करके पी लें। मोरिंगा रोज़ाना सुबह पिए, 1 महीने तक भी पिए, आप देखिए उसको फ़ायदा पहुँचेगा आपको इंशाल्लाह। नाज़रीन ये मोरिंगा हम पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तकरीबन 1 चम्मच हम 1 गिलास पानी में डाल देते हैं, और इसको टेस्ट इन्हेंस के लिए हम थोड़ा सा नींबू का कुछ कचरे डालेंगे, इतना काफ़ी है, और थोड़ा सा शहद मिलाएंगे। ये नाज़रीन इसमें डिज़ोल्व हो गया है, ये सुबह आप मूंग हाथ खा सकते हैं, या रात को खाने के पहले भी आप इसको खा सकते हैं, फिर आप डिनर ले सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल दोबारा हो गया, आपको बिल्कुल बेहतरीन टेस्ट लगेगा, इस बहाने आप इसको इंटेक कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।